प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं तो एक नई सोच, एक नया रास्ता हम सबके लिए खुलना शुरू हो जाता है। और कई चीज़ें रूहानियत के रास्ते की हमारी समझ में आने शुरू हो जाती हैं। इस गज़ल का जो शेर है वो बड़ा ही दिलचस्प सा शेर है। उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक ऐसा पहलू रूहानियत का खोला है जिसमें से एक सच्चा शिष्य ज़रूर गुजरता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अजब हाल है तेरे दर्शन का मुर्शिद, अजब हाल है तेरे दर्शन का मुर्शिद, हमेशा उसे चश्मे तर देखते हैं। कि एक सच्चे शिष्य की आंखों में आंसू हर समय रहते हैं। और जब इस शेर को समझने की कोशिश करें तो जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कई बार इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। जब इंसान को तकलीफ़ आती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन दुनिया में यही समझाया जाता है कि आंसू आप अपने अंदर ही रखिएगा ताकि वो किसी और को दिखे ना। अगर आप तकलीफ़ में भी हैं तो आपकी तकलीफ़ आपके तक ही जायज़ रहे, औरों तक पहुँचे ना। तो जब इस शेर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अजब हाल है तेरे दर्शन का मुर्शिद, हमेशा उसे चश्मे तर देखते हैं, तो कई चीज़ें हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का वाक्य है कि एक बारी उनकी बदली पेशावर हो गई थी। तो जब वो सुबह उठते थे तो तकिए उनका आंसुओं से भरा हुआ होता था। ऑफिस में भी जब काम करते थे तो कई बार फाइलें गीली हो जाती थी कि वो आंसू से भरी होती थी। तो लोग सोचते थे कि शायद अपने घर से दूर आए हुए हैं, इनको अपनी फैमिली की याद आ रही है, लेकिन वो आंसू किसी फैमिली के लिए नहीं थे। आंसू सच्चे शिष्य के अंदर तब उठते हैं जब उसकी लगन अपने सदगुरु को पाने की और पिता परमेश्वर को पाने की तीव्र हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। जब लगन हमारे अंदर अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करने की बढ़ती चली जाती है तो फिर आंसू खुद ब खुद हमारे अंदर से निकलने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक चंद्र मणि है कोई, जब वो मणि ऐसा है कि जब चंद्रमा के सामने आता है तो पानी पानी हो जाता है। तो ऐसी हालत एक सच्ची शिष्य की होती है, उस आत्मा की जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हो गया, जिसमें लगन है पिता परमेश्वर को पाने की, जो चाहता है कि पिता परमेश्वर के अंग संग हो, और जब उससे जुदाई हो तो आंसू खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते हैं। रूहानियत के रास्ते पर ऐसे आंसू को दुख के आंसू नहीं होते, ये खुशी के आंसू होते हैं, ये प्रेम के आंसू होते हैं, क्योंकि अंदर से तो लगन है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। हमारे अंदर एक कशिश है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। हम चाहते हैं कि हम अपने सदगुरु के अंग संग हों, हम चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से, और उनकी याद में आंसू खुद ब खुद टपकने शुरू हो जाते हैं। रबिया बसरी से एक बारी पूछा गया कि जब आप प्रार्थना करती हैं तो क्या आपकी प्रार्थना करने के बाद प्रभु आते हैं, कि प्रभु आते हैं इस करके आप प्रार्थना करते हो?
तो रबिया बरसी ने बड़े प्यार से समझाया कि जब मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और आंसू टपकना शुरू होता है तब मैं प्रार्थना शुरू करती हूँ, और जब मैं प्रार्थना शुरू करती हूँ फिर प्रभु आते हैं। तो जो आंसू हैं वो मुझे ये यकीन दिला देते हैं कि प्रभु के आने का समय आ गया। तो ऐसे आंसू एक सच्चे शिष्य की जिंदगी में कोई दुख से भरे नहीं होते, वो तो प्रेरित कर रहे हैं कि हम पिता परमेश्वर की नजदीकी पा रहे हैं, अपने सद्गुरु की नजदीकी पा रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि हम प्रभु से दूर नहीं, हम उनके अंग संग हैं। और इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे कि अजब हाल है तेरे दर्शन का मुर्शिद, हमेशा उसे चश्मे तर देखते हैं। कि ये आंसू खुशी के आंसू हैं, ये आंसू उम्मीद के आंसू हैं, ये आंसू मिलाप के आंसू हैं, ये आंसू लगन के आंसू हैं। और जब इसे एक और नजरिए से देखें तो एक जो सच्चा शिष्य है उसके अंदर शुक्राने की भावना होती है, हर पल हर क्षण वो शुक्राने में जीता है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि नफज नफज मुझे लाजम है शुक्र का सरदा, कि हर सांस में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी, कि पिता परमेश्वर ने दया मेर की, उसका शुक्राना कि उसने ये मानव चोला दिया। और उसके लिए भी आंसू, शुक्राने के आंसू भी एक सच्चे शिष्य के अंदर से उभरते हैं, उसके दिल से, उसकी रूह की गहराई से, कि उसे मालूम है कि अगर पिता परमेश्वर की दया मेर उस पर ना होती तो वो 84 लाख जिया जून में किसी भी योनि में भड़क रहा होता। ये तो पिता परमेश्वर ने दया मेर की कि इतनी 84 लाख योनियों में से जो सबसे उत्तम योनि है इंसानी चोले की वो हमको दे दी, उसका शुक्रिया। फिर पिता परमेश्वर ने और दया मेर की कि इस समय 7 बिलियन लोग इस धरती पर रहते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, वो भी प्रभु की देन है। ये तो इंसान इस धरती पर आता है दुनिया के काम काज करता हुआ ही इस धरती से चल बसता है, कि उसका शुक्राना कि उसने ये मानव चोला देने के बाद हमारी जिंदगी प्रभु के प्रेम से भर दी और किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में हमें भेज दिया। और एक और शुक्राना उस पूर्ण महापुरुष का कि उसने नाम की देन दी ताकि जो अंदरूनी रास्ता है जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकता है वो हमारे लिए खुल गया। शिव नेत्र 10वां द्वार जो बंद था उनकी दया मेर से खुल गया ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो गए। तो वो शुक्राने के आंसू एक सच्चे शिष्य की जिंदगी में जरूर आते हैं। और फिर जब उस पूर्ण महापुरुष ने नाम की देन दी तो उनका दिव्य स्वरूप यहां शिव नेत्र पर आकर टिक जाता है, उसके लिए शुक्राना कि वो फिर हमारा प्रोटेक्टर बन जाता है, हमारा रक्षक बन जाता है, ताकि जिंदगी में जो जो मदद हमें चाहिए वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। हम उस अवस्था में हैं जिसमें कि हमें मदद चाहिए, अगर अपने आप हम सब कुछ कर पाते
तो फिर हम प्रभु के अंग संग होते यहाँ इस धरती पर नहीं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, उसके लिए हमें मदद चाहिए। तो जब भी हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, यहाँ दसवें द्वार पर हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप टिके हुए हैं। हम कहीं भी हों, हम उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। हमने सिर्फ ध्यान उनकी ओर करना है, और जैसे ही हम ध्यान उनकी ओर करेंगे तो हम देखेंगे कि उनका प्यार, उनका लगाव हमें खींच कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ा देगा। तो ये शुक्राने के आंसू हैं जिनकी यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज बातचीत कर रहे हैं, कि हम जाने के हम कितने खुश किस्मत हैं। खुशी के आंसू, शुक्राने के आंसू, ये दुख वाले आंसू नहीं है, ये कोई तकलीफ के आंसू नहीं है। ये हमें रियलाइज कराते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी हरी भरी है। बार 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 इस दुनिया में जीते हुए इंसान गमों से गिर जाता है, उसका ध्यान जब बाहर की ओर होता है तो असलियत उसे समझ में आती नहीं, और बाहर की चीजों को ही वो असली समझना शुरू कर देता है। और जब बाहर की चीजों को असली समझना शुरू कर देता है तो सोचता है कि यही शायद ठीक है, और जो माया है उसको असली हम सोचना शुरू कर देते हैं। जो है नहीं उसको सोचते हैं कि है, और जो है उसको सोचते हैं कि है नहीं, और उसी चक्र में हमारी जिंदगी गुजरनी शुरू हो जाती है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि असलियत बाहर नहीं, अंदर की दुनिया में है, और अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया मस्ती की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, और अंदर की दुनिया ही असली दुनिया है। उसमें जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, आंसुओं के बारे में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। एक जगह और वो फरमाते हैं कि तेरे फिराक में जीना है ना गवार इतना, कह रहे कि आपके बगैर जीना, जिंदगी जिसमें आप ना हो, मेरे सदगुरु ऐसी जिंदगी जिसमें आपकी नजदीकी ना हो, आपका प्यार ना हो, आप ना हो, के तेरे फिराक में जीना है ना गवार इतना, कि नफज नफज कोई तलवार जैसी चलती है, कि वो ऐसे है कि हर सांस में जैसे कोई तलवार चल रही है, हर सांस में लग रहा है कि कोई हमें काट रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। तो ये उन शिष्यों की जिंदगी की बातचीत है जो प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं। एक सच्चे शिष्य को दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, उसे अपने सदगुरु का प्रेम चाहिए, और उनकी नजदीकी चाहिए, और पिता परमेश्वर से मिलाप चाहिए। उसे दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये दुनिया की चीजें सिर्फ यहां तक ही रहेंगी, इससे आगे जाने वाली नहीं, ना ही इनका फायदा कोई अगली दुनिया में होगा। तो जिससे उन्हें अगली दुनिया में फायदा होगा वो सिर्फ वही चाहते हैं, और अगर उनके सदगुरु की उन्हें नजदीकी ना मिले, उनका प्रेम ना मिले, तो उन्हें हर समय लगता है जैसे कोई तलवार लेके उन्हें काटी जा रहा है।
आप सोच सकते हो कि तलवार का वूंड कितना गहरा होता है, और अगर हर सांस में लगे कि ऐसे हो रहा है तो एक सच्चे शिष्य की क्या हालत होगी, जबकि उसे अपने सदगुरु की नजदीकी नहीं मिलती, उनका प्यार नहीं मिलता। तो एक सच्चे शिष्य की जिंदगी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, इस संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें दर्शा रहे हैं इन शेरों के जरिए। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, कईयों को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, कईयों को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, कईयों को दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी। उन्होंने इस दसवें द्वार को खोला, वो यहाँ शिव नेत्र पटके हुए हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो उनको जाके मिलते हैं, सही तरीके से मिलते हैं। बाहर से तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, महाराज जी की बड़ी दया है हमारी जिंदगी में और सत्संग में भी जाते हैं, पर भजन अभ्यास कितने लोग करते हैं, कितने लोग हैं जो इतनी देने मिलने के बाद उसका फायदा उठाते हैं और रोजाना उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी प्रेजेंस अपनी जिंदगी में पाते हैं। खाली ये सोच लेना कि उन्होंने हमें नाम की देन दी है तो हम तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, इससे हम वहां पहुंचते नहीं, कुछ एफर्ट हमें करना चाहिए। और वो एफर्ट जो भाई बहन करते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। बहुत से लोग संतों महापुरुषों के लिए कई कारणों करके आते हैं, कि तो सिर्फ बाहर की चीजें मांगने के लिए आते हैं, वो सोचते हैं कोई तकलीफ हो गई तो मांगेंगे तो ठीक हो जाएगी, हो भी जाती है, सोचते हैं कि कुछ शारीरिक या मानसिक या इमोशनल तकलीफ हो गई तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन असली में हम उनसे बहुत कुछ पा सकते हैं अगर हम अपना नजरिया सही रखेंगे। अगर हमारा नजरिया सिर्फ बाहर की चीजों में ही रह गया तो फिर जो कुछ हमें मिल सकता है वो मिले बगैर ही हम इस धरती से चल बसेंगे। ये तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि जिस भाई बहन को एक पूर्ण महापुरुष से नाम की देन मिल गई और अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो वो इस शरीर से नीचे नहीं गिरेगा, उसको अगले जन्म फिर एक शरीर मिलेगा और चार बारियों में तो उसका बेड़ा पार होगा ही। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे और जो देन हमें मिली है उसका फायदा उठाएंगे तो इसी जिंदगी में हम 84 लाख जिया जून से निकल सकते हैं, इसी जिंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है, इसी जिंदगी में हम सदा सदा के सुख चैन पा सकते हैं और जिस मकसद से ये मानव चोला हमें मिला उसे पूरा कर सकते हैं। तो अलग अलग पहलू डिसाइपलशिप के, एक शिष्य की जिंदगी के हैं, जिनको संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अलग अलग शेरों के जरिए बड़ा खोल खोल के समझाया। एक जगह और वो फरमाते हैं कि डबडबाई हुई आंखें मेरी देख है साकी, तेरे मैखाने में इस तरह भी पी जाती है। वही पॉइंट दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि जब भी हम सत्संग में आते हैं वही मैखाना है, वहां पर रूहानियत की सुराह में मिलती है जो हमें सदा सदा के सुख चैन तक पहुंचा देती है। कि डबडबाई हुई आंखें मेरी देख ऐसा की, तेरे मैखाने में इस तरह भी पी जाती है। कि सत्संग में जब हम आते हैं वही मैखाना है, वहां पे सदगुरु की आंखों से रूहानियत की शराब हमारी तरफ आती है, उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक,
जब वो कनेक्शन होता है तो रूम में फिर प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, उसमें एक लगन बढ़ती है और वो प्रभु की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। इस समय रूह सारे शरीर में बिखरी हुई है, पर सत्संग में पहुंचते तो हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन अपने सदगुरु में जाती है, तो वो हमारी रूह से मिटनी शुरू हो जाती है। और यहाँ शिव नेत्र दर्शन द्वार पर एकाग्र होती है और फिर उनकी दया मेर से हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया, और उनके प्रेम में आंखें डबडबा जाती हैं। ये स्टेट एक सच्चे शिष्य की जिंदगी में जरूर आती है और उसी को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अलग अलग तरीकों से हमें समझाया, ताकि उस स्टेट को हम समझ सकें। हम ये ना सोचे कि अगर कोई सत्संग में भाई बहन बैठा है और उसकी आंखों में आंसू हैं कि वो तकलीफ में है, वो तकलीफ में नहीं, वो तो बहुत खुश है, वो हम लोगों से कहीं आगे है। क्यों? क्योंकि उसको अपने सदगुरु की नजदीकी मिल रही है, उनके प्यार में उसके अंदर आंसू आ रहे हैं। और हम समझ सकें कि किस अवस्था में कोई और है और किस अवस्था में हम हैं, यही बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने शेरों के जरिए हमें समझा रहे हैं। उन्होंने बहुत से रूहानियत के अलग अलग पहलू खोले हैं, क्योंकि जब वो डिसाइपलशिप की एज में से जा रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने उस समय में लिखा हुआ है कि सच्चे शिष्य की जिंदगी में होता क्या है, ताकि हम सब भी एक सच्चा शिष्य बन सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। एक जगह और दुनिया की चीजों की ओर ध्यान देते हुए, ताकि हम समझ सकें, उनके जरिए समझा रहे हैं कि नशाते गम में मुझको नग्मगी दी, कि जो गम का नशा है उसने मुझे अंदर में संगीत के साथ जोड़ दिया। समवेयर लॉन्ग द लाइन तो दुनिया से हम दुखी होंगे, तभी पिता परमेश्वर की ओर जाएंगे, और हर समय सोचेंगे दुनिया की ये चीज भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर तो उसी में मस्त रहेंगे। तो एक शिष्य की जिंदगी में जरूर टाइम आता है जब वो बाहर की दुनिया से दुखी हो जाता है, तो लगता है ये सब बेकार है। उस स्टेट में से हमें गुजरना है। जब तक हमें लगता है ये बाहर की चीज ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, तब तक हम सही मायने से रूहानियत का जो पहलू उसको समझ नहीं पाते। तो कह रहे हैं कि नशाते गम के, नशा गम का नशा, नशाते गम ने मुझको नग्मगी दी, कि जब दुनिया बाहर की चीजों से मुझे लगा कि ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये बेकार है, तो फिर अंदर में जो प्रभु का शब्द है, जो नगमे हैं, जो हमारे अंदर चल रहे हैं, उनके साथ मैं जुड़ गया, मेरे दिल में कभी मातम ना होगा। तो कहते हैं कि मेरे अंदर कभी मातम मनाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अब अंदर में जो शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ गया हूं और उस मदर संगीत के साथ जुड़ता हूं, हर समय प्रभु के प्रेम के नशे में हूं। तो जिसे हम गम सोचते हैं, जिसे हम दुख सोचते हैं, वहां पर हमें समझाते हैं कि उनके जरिए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पिता परमेश्वर है, हमारे अंग संग है, हमारे भीतर है, उन्हें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमें ध्यान उनकी और करना है, उनके नगमे, जैसे होली वर्ड को, नाम को, शब्द को, हमारे भीतर चल रहे हैं, हमें उनके साथ जुड़ना है, उनको सुनना है, उनके साथ जुड़ते हुए अपनी रूह को अंदर की दुनिया में उड़ान देनी है। और अंदर की दुनिया में जो उड़ान देंगे, तभी अपने सदगुरु की मदद से हम सचखंड तक पहुंच पाएंगे और आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा पाएंगे। तो आंसू भी इस रास्ते पर एक
पहलू है जिसमें से हमने गुजरना है। वो आंसू दुख के आंसू नहीं, वो आंसू प्रेम के आंसू हैं, शुक्राने के आंसू हैं। और जब ये हमारी समझ में आता है तो फिर हम भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ये भी फरमाते थे कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख, जरा करीब है, उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर हमें जरूर मिलेगा। हमने करना क्या, रूह को उड़ान देनी है। वो तो हमारे बहुत करीब, हमारे भीतर बैठे, हमारे अंदर हैं, उनसे नजदीक तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें एक सिंसेरिटी से उन्हें पुकारना है, एक लगन से पुकारना है, एक प्रेम से पुकारना है। और वो भाई बहन जो प्रेम से पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, जो अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव करते हैं, जिनके अंदर एक तीव्र लगन होती है अपनी मंजिल तक पहुंचने की, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारी जिंदगी ये अपने प्यार से भरपूर कर दें। हर सांस में हम इन महापुरुषों का शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने हमें इस माया की दुनिया में जीते हुए असली रास्ता दिखाया, अध्यात्म का रास्ता दिखाया, हमें उस रास्ते पर चलाया, हमें प्रेम के जरिए अपनी ओर खींचा, और इन्हीं का प्रेम हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।